मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेचर लवर। ये देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है और बारिश आने ही वाली है हमारे बरेली में। वैसे भी हल्की हल्की एक दो दिन में बारिश हो गई थी, लेकिन उसकी वजह से आज जब मैं अपने टेरेस पे आई हूँ तो मेरे टेरेस का देख के बहुत ही खुशी हुई है। देखिए, क्योंकि 10 दिन से मैं आउट ऑफ स्टेशन बाहर थी, तो मुझे बस यही लग रहा था कि प्लांट्स कैसे होंगे मेरे, क्योंकि हम गार्डनर्स को बहुत ही चिंता रहती है प्लांट्स की कि प्लांट्स, क्योंकि उस टाइम जब मैं गई थी तो उस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और उसके बाद ही मानसून आया और बारिश शुरू हुई। फिर भी मैं लगा के गई थी अपने माली भैया को यहाँ पर प्लांट्स में पानी देने के लिए। उसकी वजह से, बारिश होने की वजह से मेरे प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो गई। देख के ये खुशी हुई कि कोई भी प्लांट मेरा डेड नहीं हुआ, क्योंकि 10 दिन बाहर रहने से कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाती है कि अपने अकॉर्डिंग ही हम लोग पानी देते हैं। हमें पता होता है कि हमारे प्लांट्स में किस प्लांट में पानी ज़्यादा ज़रूरत है, किस में कम। फिर भी प्लांट्स बहुत अच्छे रहे, क्योंकि ये टेरेस गार्डन टेरेस पर रखे हुए थे। देखिए, सभी प्लांट में इतनी अच्छी ग्रोथ, और ग्रोथ होने के साथ साथ काफ़ी मतलब ग्रोथ हेल्दी भी लग रहे हैं प्लांट, क्योंकि काफ़ी दिन में जब हम गार्डन देखते हैं तो सब कुछ चेंज नज़र आता है। बस लेन भी खूब अच्छे से ब्लूमिंग करने लगे, और कुछ प्लांट में नए लगा के भी गई थी, उसमें भी अच्छी गमफ्रेना लगाया मैंने, ये देखिए उसमें भी अच्छी सी ब्लूमिंग होने लगी। भर भर के फ्लावरिंग हो रही है। सबको मैंने डिवाइड कटिंग से सबको लगा दिया था, उस टाइम फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, अब फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से हो रही है। और ये देखिए फाइकस भी मेरा कितना अच्छा ग्रोथ हो गया, इसका भी ऐसे लग रहा है सब प्लांट्स की ज़्यादा दिन में देखो तो ऐसा लगता है कि हाइट बढ़ गई है बहुत, मतलब टेरेस पे आके इतना अच्छा लग रहा है कि बहुत ही घना घना बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, और मेरे ये इधर इधर मैं कोलियस को शिफ्ट करके गई थी कि कोलियस में ज़्यादा धूप ना लगे, तो बट मेरे कोलियस भी बहुत ही अच्छे और काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है। कुछ प्लांट जो फ्लावरिंग प्रॉन थे, जैसे कि ये लेंथस वगैरह, वो ज़्यादा पानी गिरने की वजह से ख़राब हो गए, क्योंकि यहाँ ये देखिए ऊपर से ये पानी आया होगा ना इस गमले के ऊपर डायरेक्ट, तो ये प्लांट मेरा ख़राब हो गया। बाकी प्लांट बहुत ही हेल्दी, बहुत ही अच्छे नज़र आ रहे हैं। देखिए ये वाली रो भी पूरी कोलिया से तैयार की थी, ये भी बहुत अच्छी नज़र आ रही है। ये देखिए मोगरा तो बारिश के बाद ऐसा भर भर के खिल जाता है, इतना अच्छा। पूरी रो कोलियस की ही है, बस एक प्लांट थोड़ा सा मुझे मुरझाया हुआ लग रहा है, पैशन फ्लावर राखी बेल। कोई नहीं, फिर हरी हो जाएगी ये, क्योंकि बारिश का पानी आएगा जैसे ही, क्योंकि मेरा ये कंटेनर पॉट ही छोटा है, अगर एक दिन भी इसमें पानी कम देते हैं तो इसमें पत्तियाँ सूखने लगती हैं। अब मैं इसको बरसात में बड़े गमले में ज़रूर शिफ्ट करूँगी। और ये देखिए मेरे कोलियस भी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। जब हमारे प्लांट्स खुश होते हैं तो हमको भी खुशी बहुत ज़्यादा मिलती है। ये देखिए एक एक कोलियस कितने खुश नज़र आ रहे हैं बारिश के बाद। एरिका पाम भी बहुत अच्छा हो गया। और इस साइड लगे हुए हैं सब चंपा के, और चंपा और ये मैंने गुलदाउदी शिफ्ट कर दी थी, बिल्कुल छाया में रखी गई थी ताकि इन्हें धूप ना लगे। और थोड़ा सा ये मेरा लीव अमरूद का प्लांट थोड़ा जला हुआ लग रहा है, बाकी सब ठीक है, नई नई ग्रोथ भी हो चुकी। पर्सलिन देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है इसमें, चंपा में भी अच्छी सी फ्लावरिंग हो रही है।
चंपा के भी ऐसा लग रहा है जैसे हाइट बहुत बढ़ गई है। आइए देखिए कितना सुंदर, कितना गुच्छों में भर भर के फूल आ रहा है। वाह, ये जरूर प्राइस ऑफ इंडिया। ये भी मेरा खिलने लगा, देखो रेड कलर है ये, और ये है पिंक कलर। इसमें भी अच्छे से फ्लावरिंग होने लगी, बस मैं इसकी कटिंग करके गई थी। ये पर्पल कलर है, ये पिंक कलर है, एक ये रेड कलर है, ये वाला अभी भी इसमें बर्ड आने लगी है, और एक है ये मेरा वाइट कलर। सबकी मैं कटिंग कर गई थी, अब देखिए कितना अच्छे से हो रहा है। वाओ, और ये देखिए जामुन, गाइस ये वाइट कलर का जामुन है। क्योंकि छुपा के रखा था मैंने इसको बंदरों से, ताकि बंदर से छुए ना। और ये देखिए नारंगी की भी, नारंगी की भी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई। देखिए कितना बड़ा नारंगी हो रहा है, काफ़ी लगी हुई है इसमें भी। और ये है मेरा शरीफा का प्लांट, अभी इसमें फ्रूटिंग नहीं हो रही है, बस ग्रोथ पर है ये। और बाकी सभी प्लांट मेरे मोस्टली बहुत हेल्थी और हैप्पी नज़र आ रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा टेरेस पर आकर। तो गाइस आज का टिप ये है कि जब भी आप बाहर जाएं और बरसात में, बरसात आने वाली है, तो कुछ कुछ अपने प्लांट टेरेस पे ये ध्यान रखिए कि आप कहीं भी पानी जमा ना होने पाए, क्योंकि टेरेस गार्डन है, क्योंकि घर में फिर सीलन नमी आ सकती है। और स्टैंड पे रखिए या फिर उनको, ये देखिए जैसे मैंने ऊंचा करके रखा हुआ है, आप भी इस तरह अपने प्लांट को रख सकते हैं। और ये चेक करते रहिए किसी में पानी वगैरह ज़्यादा ना भर रहा हो। और देखिए चीकू, चीकू की ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो रही है। तो टेरेस गार्डन में बहुत ही ध्यान देना पड़ता है गाइस, क्योंकि बारिश में कहीं भी जमा होने लगता है पानी। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका टेरेस बहुत ही अच्छा रहेगा, और सीलन नमी से भी दूर रहेंगे, और प्लांट्स भी ख़राब नहीं होंगे आपके। अगर डायरेक्ट कहीं ऊपर से कहीं से पानी ज़्यादा आ रहा है तो आप उसमें पथरी भी डाल सकते हैं, छोटी छोटी पथरी या मिट्टी के टुकड़े होते हैं वो डाल दीजिए आप। देखिए बोगनवेलिया कितना ज़्यादा ब्लूम कर रहा है, जब मैं गई थी तो इसमें बिल्कुल ब्लूमिंग नहीं हो रही थी, और ग्रोथ भी बहुत, डायमीटर देखिए कितना बड़ा हो गया इसका, पूरा भर के मज़ा आ गया। और ये वाली बोगनवेलिया ये भी बहुत अच्छी हो रही है, और ये पिंक कलर तो नहीं, बहुत अच्छी हो रही है। बस रोज़ में अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, रोज़ अभी थोड़ा बरसात में फ्लावरिंग कम देता है, ताकि सब प्लांट्स बहुत हेल्दी बहुत ही अच्छे हैं। और ये मेरी तुरई की बेल लगी हुई है, ये देखिए तुरई लटक रही है इसमें, काफ़ी हेल्दी है। सभी प्लांट को मैंने बीच में सेंटर में कर दिया है, ताकि सब साइड से सफाई भी होती रहे और पानी वगैरह भी लगता है। देखिए ऐसे मैंने तार से बांध दिया है इसको, जुगाड़ कर कर के कुछ डंडे वाइपर लगा के, ये देखिए, ताकि ज़मीन से ना टच हो, क्योंकि ख़राब होने लगती है, सड़ने लगती है बेल। तो देखिए कितना अच्छा लगता है। तो बाकी ये देखिए मैंने कटिंग, जो कटिंग गिर गई थी चंपा की, और ये देखिए मैंने इसको लगाया तो नहीं है, बस इसमें वेस्ट रखा हुआ है, तो मैंने इसमें ही ऐसे ही रख दिया, रख के गई थी मैं, बाद में आऊँगी तो मैं इसको शिफ्ट करूँगी। ये देखिए उसको मैं कटिंग को ऐसे ही रख गई थी, और चंपा देखिए कितने अच्छे से, कटिंग भी अच्छे से चलने लगी, और हाइट भी देखो कितनी अच्छी हो गई है। अब बेल को ऐसे सपोर्ट मैंने दे दिया है कि चढ़ जाएगी, और तुरई भी आ रही है अच्छी। तुरई को देखिए गाइस, देखिए मैंने कितने बड़े बड़े ग्रो बैग में लगाया,
कई बार मैं इसकी हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ, आज भी एक तुरई मुझे दिख रही है। तो गाइस वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलती हूँ किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, क्योंकि अब बारिश आ चुकी है मेरे टेरेस पर हल्की हल्की, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ओके बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।